हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है और आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही मदद करेगा। तो आज का जो LED बनाएंगे हम, वो LG कंपनी का है। उसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे 32LJ 522D। ये 32 इंच LED है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो हम स्विच ऑन करेंगे और देख पाएंगे लोगो आ गए हैं, लेकिन आप देख पा रहेंगे ये कलर आ रही है इसमें। ये कलर रेड दिख रहा है, यहाँ ब्लू दिख रहा है, यानी इसमें कलर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत से दोस्तों को लगता है कि ये प्रॉब्लम पैनल का होगा, यानी RGB का होगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम रेयर नहीं है, बहुत कम आता है। तो और ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर LG सेट में ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली RGB का ना होते हुए, यानी पैनल का नहीं है, पैनल का ना होते हुए ये हमारे जो बैकलाइट्स होते हैं उनके वजह से, वो जो रोशनी देते हैं जब हम नए बैकलाइट्स लगाते हैं, तो वो जो रोशनी देते हैं वो वाइट रहती है। लेकिन इसमें जो बैकलाइट्स लगे हुए रहते हैं, वो ये जब कुछ दिनों के बाद में वीक होने के बाद में इनकी जो रोशनी होती है वो वाइट की बजाय ब्लू हो जाती है, यानी नीली हो जाती है, और ये नीले रंग की रोशनी देती है। तो जैसे ही इसके पैनल पे जो रोशनी गिरेंगी, नीली गिरेंगी, तो ये नीले टाइप की अपने हमको पिक्चर दिखाएंगी। और जैसे हम नए बैकलाइट लगाते हैं तो हमको ओरिजिनल क्लैरिटी मिलेंगी जैसी दिखती है। तो इसमें अभी क्या है, हम देखेंगे कि बैकलाइट्स कैसे जलते हैं। तो हम इसे खोल के रखे हैं, हम अभी पैनल हटा के आपको चेक करवाएंगे कि वाकई में इसके बैकलाइट नीले जलते हैं या वाइट ही जलते हैं। वाइट जलते होंगे तो फिर हम इसके पैनल में, तो हम इसे खोलेंगे। वैसे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से दिख रहा हूँगा, ये देख पाएंगे आप कि रोशनी हमको नीली दिख रही है। तो ये बैकलाइट्स का ही प्रॉब्लम है। फिर भी हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे कि बैकलाइट वाकई में नीली रोशनी देते हैं या सफ़ेद रोशनी देते हैं। तो आइए हम इसे खोलते हैं, पैनल को हटा देते हैं ऊपर से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे, हमने वो पैनल और शीट्स निकाल दिए हैं, प्रिज्म और डिप्रिज्म शीट निकाल दिए। तो आइए अभी इसको हम चालू करके देखते हैं। तो हम स्विच ऑन कर दिए, अभी देख पाएंगे ये लाइट्स, ये देखिए ये नीले रोशनी आ रही है, ये नीली रोशनी आ रही है। यह कवर भी हम हटा देंगे। तो देख पाएंगे ये साइड में आपको पता चलेगा, यहाँ नहीं पता चलेगा, ये देख पाएंगे ये नीला आ रहा है, पूरा साइड में नीला आ रहा है। तो इसकी वजह से इस जो प्रिज्म और डिप्रिज्म शीट पे ये ब्लू कलर जाएगा, तो वो पैनल पे भी ब्लू ही कलर मारेगा। तो ब्लू कलर मारेगा तो ब्लू ही स्क्रीन दिखेंगी हमारी, और जहाँ वाइट है ये एक बल्ब वाइट है, ये तो बल्ब वाइट है, तो इतनी जगह में हमको जो ओरिजिनल पिक्चर आती है क्लियर वैसे दिखेंगी। तो आइए हम इसके जगह दूसरे बैकलाइट लगा के चेक करेंगे कि कैसी रोशनी आती है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी फ़िलहाल ये बैकलाइट्स देख पाएंगे, हमने ऊपर से ही लगा दिए हैं, ऊपर से लगा दिए। तो आइए इसे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन कर दिए, और देख पाएंगे आप कि अभी जो पहले ये बल्ब हमारे थोड़े नीले दिख रहे थे, अभी पूरे वाइट जल रहे हैं। तो साइड में भी देख पाएंगे कि अभी
कोई ब्लू शेडिंग नहीं आ रही। तो आइए अभी हम इसके ऊपर प्रिज्म और डिप्रिज्म शीट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में पैनल इंस्टॉल करके चालू करके चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे कि देख पा रहेंगे दोस्तों कि हमने पैनल इस पर इंस्टॉल कर दिया है। तो आइए इसे हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देख पा रहेंगे दोस्तों अभी लोगो हमारा ओरिजिनल जैसे आता है वैसे आ गया है। अभी पिक्चर भी देख पा रहेंगे हमारी बिल्कुल क्लियर आ गई है, ये नाम वगैरह जो चीज आ रहे थे ब्लू सब हमारे अभी ओरिजिनल ही आ रही है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम हमको लग रहा था कि RGB का खोखा होगा, तो खोलने के बाद में हमको ये पता चलता है कि जैसे जो बैकलाइट्स होते हैं वो वाइट जलने को होना, तो हमारे बैकलाइट्स ब्लू जल रहे थे। तो हमको कब पता चलेगा, जब हम पीछे का बैकलाइट जैसे ऊपर से देखेंगे हम, तो हमको टीवी चालू जब रहेगा तब हमको समझेगा नहीं कि हमारे बैकलाइट वाकई में ब्लू जल रहे हैं क्या कुछ जल रहे। हमको ऐसे ही लगेगा कि हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हमारे RGB कलर में प्रॉब्लम आ गया, यानी पैनल में प्रॉब्लम आ गया, तो ये पैनल का प्रॉब्लम है हमको ऐसे लगेगा। जब तक हम पीछे बैक साइड से हम टीवी खोलेंगे नहीं तब, और हम देखेंगे नहीं कि वाकई में बैकलाइट्स नीले जल रहे हैं या वाइट जल रहे हैं, तब हमको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको एक अंदाज़ा लगाने में मदद होंगी कि नहीं ये प्रॉब्लम पैनल का नहीं तो बैकलाइट्स का भी हो सकता है इसका अंदाज। नहीं तो हम क्या करेंगे कि पैनल पे भी काम करना शुरू कर देंगे और प्रॉब्लम रहेगा बैकलाइट्स में। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ऐसे ही नए नए इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही नए नए इस वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।